नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिलका से आ रही है। दी फाजिलका सहकारी चीनी मिल बोदी वाला पीथा के बाहर आज कर्मचारियों द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों के समर्थन में शुगर मिल मजदूर यूनियन व दी लाल झंडा मजदूर यूनियन ने अपना रोष जताया। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही उनकी कई मांगे पिछले काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ी है, जिसे माना नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे जल्द ही मानी जाए। देखिए, इस प्रकार से यहां पर रोष जताया जा रहा है। शुगर मिल मजदूर यूनियन व दी लाल झंडा मजदूर वर्कर यूनियन द्वारा यह रोष जताया जा रहा है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। जानी है, मैं शुगर मिल से बतौर फार्म सुपरवाइजर काम कर रहा। साड़ी काफ़ी लंबे समय तो तनखावां जड़ियाँ नहीं मिल रही है। इस बाबत आज मैनेजमेंट नाल गलबात की है तो उन्होंने कोई खास भरोसा नहीं दिता है। असी सरकार को मंग करते हैं भी साड़ी किसानां दे नाल नाल पेमेंट दे नाल नाल साड़ी जिहड़ी हैगी है तनखावां दित्तियां जाण। जिहड़े बंदे भी साड़े कोई रिटायरमेंट है, एक दो दो साल तो उन्होंने बकाए पे ने, बहुत ही उन्होंने माड़ी हालत है। इस करके साड़ी बेनती है मैनेजमेंट नूं कि उन्हां लोकां दा बकाया दिता जाए। जिहड़े सीजनल बंदे है उन्हां दी रिटेनिंग दी जाए, तो जिहड़े बंदे बीमार है उन्हां दे मैडिकल बिल पे ने वो मैडिकल बिल दिते जाण। ये असीं इन्हां कोलों मंग करदे हां, तो ये जरूर साड़ी जिहड़ी मंग इन्हां नूं प्रवान करनी चाहीदी है। हाँ जी, तुहाडा की नाम? मेरा नाम मेनपाल है जी। मैं मैनेजमेंट तो गवर्नमेंट को अपील करदा कि किसानों की जल्दी तो जल्दी बकाया रही पेमेंट करने की की जाए, क्योंकि काफ़ी समय तो पेमेंटा जड़िया लगातार नहीं हो रही कि किसानों, इस करके बहुत मुश्किल आदियाँ किसानों के नाल नाल। जो किसान परेशान हों मिल जी है स्थिति डामाडोल हो जाती है, वोद वर्कर भी बहुत मुश्किल आदि है। सो मेरी पुरजोर अपील है भी किसानों की बाकी रही पेमेंट जल्दी तो जल्दी की जाए। धन्यवाद। मैं हरी राम सुगर मिल यूनियन का प्रधान बोल रहा। साड़िया पुरानी लटकदी हुई मंगा पूरिया की जा, बकाया तनखा दी जा, अते बंद पे स्टेशनों ना चलाया जाए, क्योंकि आर्थिक बोझ पेगा। जो पुरानी जो मशीनें चल रही उन्होंने चलाओ, जो बंद पे नहीं चलानी चाहिए। हाँ जी, तुहाडा की नाम? मैं वेद प्रकाश, लाल झंडा यूनियन का कन्वीनर, फाजिलका सहकारी खंड मिल फाजिलका। साड़िया काफ़ी मंगा है मिल दियाँ, खास करके वर्करां की तनखा, सीजनल वर्करां की रिटेनिंग, डैथ कर्मचारियों का बकाया, ये रिटायर होए कर्मचारियों का बकाया जिहड़ा काफ़ी लंबे समय तो मिलते वर्करां नहीं मिल रहा। तो मैनेजमेंट नूं अगे लिख के भी दिता सीगा, सरकार ने भी पिछले साल साडी बहुत मदद की, तकरीबन 25 करोड़ रुपये की मदद की, उनके बावजूद भी जिहड़ी है ना अक्तूबर नवंबर की तनखाह ते रिटेनिंग जिहड़ी है ना वर्करां नूं नहीं मिली। वार वार कहण दे बावजूद भी मिल साड़ी है कोई सुनवाई नहीं करती। असी सरकार नूं भी अपील करते हैं भी साड़ी बेनती सुनी जाए, तो मिल मैनेजमेंट नूं भी अपील करते हैं भी हिसाब किताब बना के सही सिस्टम के नाल वर्करां नूं तनखा रिटेनिंग जो बकाया है जिन्ना पैसा है वो मुताबक जिहड़ा है ना दिता जाए। इत्थे हुण मिल दे विच सीरा विकना है या जो कुछ भी है सानूं उहदे बारे कोई पता नहीं हुंदा भी की विकना है, किन्ना पैसा आ गया, की गल है। तो इस काम में सुचजे तौर पर काम चला के सारे सिस्टम के मुताबिक जिन्ना पैसा बनता है वो मुताबिक कॉन्फिडेंस लैके तो यह काम किया जाए। तो काम करना तो मेरे साथी सीजनल साथियों का भी मैं स्पेशल आदेश है कि इन्होंने पिछले साल कुछ भी नहीं मिलया, जबकि लोगों ने 3-3 महीने ड्यूटी की और रिटर्निंग पिछले साल की पेंडिंग पई है। और तो बाद वर्कर जो मजदूर जो ऑन ड्यूटी रेगुलर स्टाफ है उन्होंने भी अक्तूबर नवंबर का पेरेंस नहीं मिलया,
ना वो तो बाद फरवरी तो बाद कोई तनखा अद्धी मिलती रही तो अपने जो जो किसान भरावों भी पैसा इन्हें पेंडिंग पे है जोड़ा पैसा साढ़ा कोई इतों सीरा विक रहा खंड विक रही है वह कोई लेखा जोखा नहीं ना कोई हिसाब किताब और ना ही अगर पूछ जाने तो कहते भी असं आपे करा साडा काम होगा पैसे मंगन जाइए अगले साल देखा दसंबर से देखा जनवरी से अजे कोई इन्होंने कोई सानू फिक्सेशन नहीं दसिया भी असं तुम्हें महीने दे देंगे भी दिन दे देंगे मेरी इन्हें शुगर फेड या शुगर मेड जी एम तो अपील है कि मैं कहना भी पैसे जल्दी जल्दी दिते जाए और सानू कोई किसी हिसाब से खड़ा किया जाए ता जो कि सबर संतोख नाल जी सके जी ठीक है। मैं जितेंद्र पवार ट्विटर मैं ये अपील करदा मैनेजमेंट तो भी जेडे साडे पुराने बंदे जेडे बाहर मिलां च भेजे गए है वह साढ़े वापस दिते जा जो मिल नूं सुचारू ढंग नाल चलाया जाए क्योंकि ये ठेकेदारी बंदे देंदे जिन्हां नूं पता नहीं हुंदा कोई गल दा उत्थे आ के असीं रुक जांदे आ कोई जाम ला दिंदा कोई पंप तोड़ दिंदा ठेकेदार दे बंदे हुंदे है वो साडा किहड़ा नहीं मंदे ना मेरे ढंग नाल चलदी है ना बॉयलर ढंग नाल चलदा ना वो बगास पाते हैं ना पट्टी कटते है साढ़े बंदे बड़े तंग है गए इस गलों तो मैं अपील करदा भी जिहड़े साढ़े बंदे 73 बंदे वापस दिते जाण सानू जी बस जी बड़ी मेहरबानी है। जी सी शुक्ला जनरल मैनेजर फजलिका कोऑपरेटिव शुगर मिल के तौर पर काम कर रहा हूँ। सर आपके कर्मचारियों ने आज कुछ अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाई है जिसमें तीन अहम मुद्दे हैं। एक तो जो किसानों का लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा पैसा है वो नहीं मिल रहा, उसमें कह रहे हैं अभी 35 लाख रुपया ही है जो दिया जा रहा है। देखिए ये जो प्रश्न आपने जो किया है ये हम लोगों ने ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास भेज दिया है। इस मिल का इस समय 9,00,000 करोड़ 28 लाख रुपये लगभग बकाया है जो कि शुगर फेड ने हमें 1,73,00,000 रुपये अपने खुद सोर्सों से जो मलासे से हैं उनसे बेच के देना था पर हमारे पास फंड्स न होने के कारण क्योंकि हमारा लगभग 25,000 कुंटल अभी मलासेस बिका नहीं है तो उसके कारण सारी मिलों ने पेमेंट आज कुछ न कुछ की तो हमें भी 35 लाख रुपए हमने शुगर फिट के इनके दोनों किसानों को दिया है। बाकी जैसे ही पैसा हमारे पास गवर्नमेंट से आ जाएगा तो किसानों की पेमेंट कर दी जाएगी। तो दूसरा सर उनकी जो पे के बारे में बोल रहे हैं अभी नवंबर अक्टूबर में भी हाफ मिली और इस सीज़न में भी हाफ मिल रही है, इसके लिए ये कि इस मिल ने लास्ट ईयर 7 लाख कुंटल लगभग गन्ना कैश किया तो गन्ने कम करने के कारण रिकवरी भी कम रही तो उसी हिसाब से चीनी का प्रोडक्शन हुआ। चीनी से हमें कुछ नहीं मिलता, जो मोलासेस होता है उसी से हम इनकी सैलरी और खर्चे निकालते हैं रिपेयर मेंटेनेंस के। तो जैसे ही सिरा बिक जाएगा तो ये शाम को इनकी हम लोगों की वर्कर यूनियन के साथ बातचीत हुई, हमारे पास लगभग 25,000 कुंटल सिरा बिकने के बाद जो पैसा आएगा तो आधा पैसा उसको हम इनकी सैलरी है उसमें दे देंगे और आधे पैसे रिपेयर मेंटेनेंस से करेंगे जी। और सर एक जो यहाँ के 73 कर्मचारी बाहर भेजेंगे उनके बारे में वो बोल रहे हैं वापस लाने के लिए, इसके बारे में जो आप बात कर रहे हैं ये हेड ऑफिस शुगर फेड जो है मोहाली वही उसी ने भेजे थे और उनके डिसीजन के बाद ये आएंगे। ये हाई लेवल डिसीजन है, ये हमारे लेवल की बात नहीं। आप क्या कारण समझते हैं उन्हें यहाँ से भेजने का? वहाँ वो भेजने उसका भेजने से ये हुआ कि इस मिल पे जो सैलरी बर्डन था वो करीबन 2 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए कम हो गया जो कि इस मिल को नहीं तो और भी सैलरी बर्डन बढ़ जाता, इस कारण उसको बाहर भेजा गया और स्टाफ भी यहाँ पर सारा परमानेंट था तो इसमें कोई वाली बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट का फैसला होगा तो जो भी होगा वो मान लूंगा मैं। उन 73 बिना लोग जो कर्मचारी हैं उनके ना होने से मिल को कुछ काम में दिक्कत वगैरह परेशानी या ऐसा कुछ नहीं है? देखिए ये चीज़ें एडजस्ट करने वाली बात होती हैं, कहीं कहीं पर स्टाफ की कितने सालों से उनकी रिक्रूटमेंट नहीं की गई पर वो एडजस्टमेंट करके काम चल रहा, कोई ऐसी बात नहीं। ज़्यादा होता है तो ठेके में आदमी रख लिया जाता है, मुश्किल रख के हम लोग काम चला लेते हैं जी। ओके थैंक यू सर।